नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के चन्नी रोड पर मफतलाल बाग में देर रात एक आदमी ने पुलिस के 3 कर्मचारी को एक धारदार हथियार से हमला कर दिया। लॉकडाउन के दौरान पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इस बीच धारदार हथियार के साथ उन्होंने एक आदमी को देखा। पुलिस वाले ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, जब वो नहीं रुका तो उसका पीछा भी किया। अचानक उसने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। इस हमले में 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। हमला करने वाले का नाम प्रदीप नायर है, पेशे से वो आर्किटेक्ट है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर इस बात का खुलासा करना अभी बाकी है कि उसने आखिर पुलिस वालों पर हमला क्यों किया। क्या उसे लॉकडाउन का डिप्रेशन था या फिर उसने कोई नशे का सेवन किया हुआ था। फिलहाल पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस बात का खुलासा अभी करना बाकी है। देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से ये धारदार हथियार लेकर भाग रहा है और पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे है, मगर फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं है, इसलिए पुलिस ने उसका पीछा भी करना शुरू कर दिया है। साथ ही ये तस्वीरें भी देखें कि किस तरह से हमला किया गया है, किसी के हाथ पर या किसी के कंधे पर वार किया गया है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।